हिमाचल प्रदेश इस वर्ष अपने पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती मना रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में शिमला में प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हिमाचल प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पिछले 50 वर्षों में विकास की जो गाथा लिखी है, उस पर सभी देशवासियों को गर्व है। जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जैसे लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जन नायकों के नेतृत्व में यहाँ की जनता के संघर्ष की सफल प्रणति थी। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विगत 50 वर्षों में विकास की जो गाथा लिखी है, उस पर सभी देशवासियों को गर्व होता है। इसके लिए सभी पूर्ववर्ती सरकारों ने, मैं सभी की बात करता हूँ, इसके लिए सभी पूर्ववर्ती सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। मैं पूर्व मुख्यमंत्रियों स्वर्गीय डॉक्टर YS परमार, स्वर्गीय श्री ठाकुर रामलाल, श्री शांता कुमार, श्री प्रेम कुमार धूमल और स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह के योगदान की सराहना करता हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि ये वर्ष न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले प्रदेश के शहीदों को भी याद किया। अन्याय व अत्याचार के प्रतीक महिषासुर का मर्दन करने वाली माँ दुर्गा की प्रार्थना करने से यह विचार भी स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश के शांतिप्रिय परंतु बहादुर लोग आवश्यकता पड़ने पर अन्याय, आतंक और देश की अस्मिता पर किसी भी प्रकार के प्रहार का वीरतापूर्वक जवाब देते रहे। हिमाचल प्रदेश के लगभग हर गांव के युवा भारतीय सेनाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मुझे बताया गया है कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 1,20,000 से भी अधिक है। इस वीर भूमि से ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष में प्राण न्यौछावर करने वाले राम सिंह पठानिया, देश के पहले परम वीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, कारगिल में शहीद हुए परम चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार और कारगिल के नायक शहीद कैप्टन सौरभ कालिया जैसे अनेक सूरवीरों ने पूरे देश का और हिमाचल प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है। सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर होने के नाते कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन सभी वीरों की पावन स्मृति को मैं नमन करता हूँ। कोविड टीकाकरण के मामले में हिमाचल के देश भर में बेहतर प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताते हुए राष्ट्रपति ने इसके लिए सभी कोरोना योद्धाओं के प्रयासों की सराहना की। कोविड महामारी का सामना करने में हिमाचल प्रदेश ने देश में सबसे पहले वैक्सीन की पहली डोज 100% आबादी को लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए साधुवाद को मैं अक्षरशः साझा करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई में चैंपियन बनकर सामने आया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी कोरोना वॉरियर्स की मैं सराहना करता हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि आम जनता जन प्रतिनिधियों को अपने भाग्य विधाता के रूप में देखती है। ऐसे में सभी विधायकों, सांसदों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से प्रदेश व राष्ट्र के निर्माता बनने की ओर अग्रसर रहना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2047 में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब तक हिमाचल प्रदेश विकास और समृद्धि का आदर्श प्रस्तुत कर रहा होगा। आप सभी विधायक, सांसद तथा प्रदेश के अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रदेश की जनता
अपने भाग्य विधाता के रूप में देखती है और आप सभी से अपेक्षा करती है कि आप सब इस प्रदेश व राष्ट्र के निर्माता बने। अब तक की अपनी विकास यात्रा के द्वारा आप सबने भविष्य के समग्र व समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। पर्यावरण के अनुकूल कृषि, बागवानी, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, विशेष कर स्वरोजगार आदि अनेक क्षेत्रों में सतत विकास की अपार संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। हमें प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के साथ साथ विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने होंगे। प्रदेश के हम सब लोग जानते हैं, एक जिले का नाम सिरमौर भी है। मेरी शुभकामना है कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक दिन विकास के पैमाने पर भारत का सिरमौर बने। मुझे विश्वास है कि 2047 में जब हमारे देशवासी आज़ादी की शताब्दी मनाएंगे और हिमाचल प्रदेश अपनी स्थापना के 75 वर्ष संपन्न होने के समारोह मनाएगा, तब तक यह राज्य विश्व स्तरीय विकास और समृद्धि का आदर्श प्रस्तुत कर रहा होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक अपनाने का आह्वान किया ताकि हिमाचल प्रदेश की धरती को रासायनिक उर्वरकों से मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे पिछले 45 वर्षों के दौरान कई बार प्रदेश में आए हैं और हर बार की यात्रा उनमें एक नई स्फूर्ति का संचार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, शिमला।